में जो तारीखी सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है उसकी तैयारियों के सिलसिला में और उसके अगराज़ो मकासिद के इजहार के लिहाज से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जो शख्सियात इस वक्त रौनक अफरोज़ हैं, कराची की सरजमी पे मसलके हक अहले सुन्नत व जमात की गयूर और तवाना आवाज़ हज़रत किबला पीर सैयद शाह तुराबुल हक कादरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़, आपके लखते जिगर पीर सैयद शाह सिराजुल हक शाह साहिब जीदा शरफ़ू, सरबरा पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट, आप मेरे साथ रौनक अफरोज़ हैं। और साथ ही हमारे अहले सुन्नत व जमात के अजीम रहनुमा और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अंजमन मुहिब्बान अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब, उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। अंजमन नौजवानान इस्लाम के अमीर मोहम्मद सलीम अत्तारी साहब रौनक अफरोज़ हैं। तहरीक लब्बैक इस्लाम के चेयरमैन हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम सूबा सिंध के अमीर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद बशीरुल कादरी साहब रौनक अफरोज़ हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम कराची के अमीर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अख्तर जलाली साहब रौनक अफरोज़ हैं। सिंध की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर हजूर बख्श मुजद्दिदी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा हमारे दीगर ज़िम्मेदारान भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबसे पहले मीडिया के अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मौका पर आप हजरात यहाँ रौनक अफरोज़ हुए। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको और जुमला शुरका को अजर अजीम अता फरमाए। और जिस मकसद के लिए मसाइल में फंसा हुआ है और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिहाज, हम मौजूदा हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाए और पाकिस्तान के अंदर अमन आमा के लिहाज से और बिलखसूस महंगाई के ख़ात्मे के लिहाज से खसूस तौर पर किरदार अदा किया जाए। ये जो डीज़ल को महंगा करके एक बम गिराया गया है आवाम पर, ये पहले ही आवाम बहुत ज़ख्मी है और ये इजाफ़ा नाकाबले बर्दाश्त। हम जिस सरजमी पे बैठे हैं ये कराची की सरजमी, ये पूरे पाकिस्तान का एक लिहाज से दिल है और बदकिस्मती से यहाँ एक कलील मुद्दत में तीन धमाके हो चुके पाकिस्तान के साथ हैं। कल बुनियादी तौर पर जो दहशतगर्दों के खिलाफ फतवा दिया गया था उसमें भी अल्लाह के फजल से हमने बुनियादी किरदार अदा किया और अब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का सफाया किया जाए। आज खुसूसी तौर पर हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक तारीखी देरपा और जामे अमन फार्मूला पेश करने के लिहाज से किया जा रहा है। मुल्क हो या इंटरनेशनल सतह पर क़ियाम अमन हर किसी की तमन्ना है। इस सिलसिला में हमारे पास एक जामे फार्मूला है कि जिसके नतीजे में तसादम और टकराव की सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि एक तरफ अहले बैत अतार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाले हैं
दूसरी तरफ सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला को मानने वाले हैं और इनका आपस में टकराव हो रहा है। तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इनके मानने वालों के दरमियान तसादम और टकराव हो। असल में अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम और सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को मानने की वजह पे गौर करना चाहिए कि इनकी अकीदत हम पे क्यों फ़र्ज़ है, सबब इसका क्या है। तो जब सबब दोनों मोहब्बतों का एक है तो ये दो मोहब्बतें नहीं, ये एक ही मोहब्बत है। और जब मोहब्बत एक है तो उसमें तो टकराव हो ही नहीं सकता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी ताज़ीम हम पे फ़र्ज़ है ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की वजह से। और अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, उनका अदब, एहतराम, उनकी ताज़ीम फ़र्ज़ है, वो भी ज़ाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से। ये दो मोहब्बतें हकीकत में एक हैं क्योंकि इनका सबब एक है। जब सबब एक है तो मुसबब एक है। इनको जिस वक़्त इस नुक्ते से हटाया जाता है तो फिर इख्तलाफात और टकराव की सूरत हाल पैदा होती है। हम इस नुक्ते के इलमबरदार हैं कि जो शरीयत में जिस बुनियाद पर ये मोहब्बतें लाजिम हैं उस बुनियाद को पकड़ा जाए और उस पर कौम को मुत्तहिद किया जाए, और वो बुनियाद ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जो शख्स आले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु का बुग्ज रखे वो आशिक रसूल नहीं हो सकता, और जो शख्स सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु का बुग्ज रखे वो भी आशिक़ रसूल नहीं हो सकता। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के लिए ज़रूरी है कि इन सब की महब्बत सीने में मौजूद हो, और इसको ही अकीदा अहले सुन्नत कहते हैं। और इस बात का इबलाग बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हों और पाकिस्तान जो एक नज़रियाती सल्तनत है इसके अंदर अमन व अमान रहे, और इस पर असरात फिर पूरी कायनात में इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह के इराक या शाम या लीबिया में हालात हैं उनका खात्मा भी इसी से हो सकता है कि इस अमन के फार्मूले को हर तरफ जो है वो उजागर किया जाए कि ये मोहब्बतें जुदा जुदा नहीं, ये आग पानी नहीं कि आपस में टकराएं, बल्कि ये दोनों तरफ की मोहब्बतें एक हैं क्योंकि ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये दोनों मोहब्बतें मोमिन के लिए ज़रूरी हैं। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह कल की सुन्नी कॉन्फ्रेंस ये पाकिस्तान में क्याम अमन के लिए एक तारीखी किरदार अदा करेगी और संग मील साबित होगी। और ये कॉन्फ्रेंस नज़रियाती पुख्तगी के लिहाज से, अकायद की दुरुस्तगी के लिहाज से, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासवानी और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासवानी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी के लिहाज से भी इंशाअल्लाह कलीदी किरदार अदा करेगी। क्योंकि हमारा मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर बना है तो नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी इस नज़रियाती फार्मूला रोकने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। मैं इन अकाबरीन के हमारा अभी अपना नुक्ता नज़र भी बयान करेंगे, इजहार ख्याल करेंगे। हम आज इस बात का ऐलान करने आए हैं कि इंशाअल्लाह हर हाल में कल बरोज़ हफ्ता नमाज मगरब के बाद निश्तर पार्क के अंदर तारीखी सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। हम किसी रुकावट को और किसी किस्म की पाबंदी को मलहूज़े नज़र नहीं रखेंगे। ये मुल्क हम अहले सुन्नत ने बनाया, 20 लाख जाने देकर ये मुल्क बनाया गया, और इसके तकद्दस के वारिस हम हैं। और आए रोज़ जो मुल्क की सालमियत के दुश्मन हैं और कुरान सुन्नत से मुखालिफ जो लोग हैं वो प्रोग्राम करते हैं चौकों में, चौराहों में, हर तरफ। और जब अहले सुन्नत की बारी आई है तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। हम ऐसी तमाम हरकतों की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह अवाम अहले सुन्नत को ये पैगाम देना चाहते हैं। कराची से, अंदरून सिंध से लोग ये पैगाम सुने वो ज़रूर कल इस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे। इंशाअल्लाह इस कौम को गुंबद खजरा की तरफ मुतवज्जे करने में ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। आज जो परेशानियां हैं वो इसलिए हैं कि कोई वाशिंगटन की तरफ देखता है, वाइट हाउस की तरफ देखता है, मुसलमान को पलट के गुंबद खजरा की तरफ देखने की ज़रूरत है। और वो पैगाम इंशाअल्लाह कल जो है उसको उजागर किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि
आपने कहा कि हमें पाकिस्तान मुश्किल बस से निकल रहा है। मैं बचपन से लेकर आज तक सुनता चला रहा हूँ, हर इंसान और हर पार्टी यही कहती है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप जितनी मजहबी तंजीमें हैं, क्या आप सब लोग बैठ कर एक साथ नहीं कर सकते कि बैठ के बाद आप आगे काम करें? तो पाकिस्तान के मसाइल का हल क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। ये अभी मैंने जो अखबारात में भी लिखा, ये फिक्र मुस्तकीम में भी आपको पेश करते हैं। तो बाकी ये हमारी कितनी तंजीमात के लोग अब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, तो ये कोशिश है कि आले सुन्नत व जमात को मुल्की मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए, ताकि अकीदे की पुख्तगी से लेकर निज़ाम की दुरुस्तगी तक जो है वो मुकम्मल जानदार किरदार अदा किया जाए। और इंशाल्लाह ये कोशिश अल्लाह की फजल से कामयाब हो। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा जिसने गाड़ी भर दी है, यानी फौज को गाड़ियाँ दी जा रही, अल्ताफ हुसैन ने जिस टाइम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, इनके पाबंदी लग गई, इन्होंने जजों को भी गालियाँ दी, फौज को भी गालियाँ दी, क्या आप लोग मुतालबा करेंगे इसके पाबंदी लगना चाहिए? ज़ाहिर है कि यानी जिस तरह हमारे ये हजरात ने गुफ्तगू में भी बताया कि जिस वक़्त पाकिस्तान की सालमियत का मसला पेश नज़र है और इस्तेकाम का मसला पेश नज़र है, तो जो भी पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेकाम पर हमला करता है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो पहले लोगों के साथ सलूक हुआ, अल्ताफ़ हुसैन हो या दीगर कोई हो।